How's Bangladesh वैसे? Like, क्या फीलिंग्स होती है बंदा जब वहाँ जाता है एक्स कंट्री में? यार सो एक्चुअली सही फीलिंग तो तब होती जब हम पार्टीशन से पहले के होते और या वहाँ गए होते। तो मैं एक्चुअली उसके बाद गया तो मेरे लिए एक वो नई कंट्री थी। बहुत अच्छा क्राउड है। अगेन ह्यूज फैन ऑफ पाकिस्तानी म्यूज़िक, रॉक के बहुत फैंस हैं। ढाका में, चिटागोंग में बहुत शोज़ किए और वहाँ पे उनको भी अगेन वो बंगाली बोलते हैं लेकिन वो गाते साथ हैं। वो सारे गाने उनको याद थे तो, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो उर्दू या उस तरह नहीं करते हैं, तो हल्के से वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट यार कमाल क्राउड है वहाँ पे भी। ढाका का क्राउड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्ट लगता है कि एक अलग कंट्री है, मतलब कि बांग्लादेश की एक अपनी वो सब चीज़ें हैं तो हाँ, लेकिन हमारे ड्रामास को, हमारे म्यूज़िक को बहुत फॉलो करते हैं। सो द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। नाइस। एंड वेयर इन इंडिया हैव यू परफॉर्म? लाइक कलकत्ता आपने बोला। यार इंडिया की लिस्ट बहुत, कलकत्ता, गोवा, जयपुर, मोहाली, पुणे, रोड किला, पंतनगर। रोड किला क्या है? रोड किला एक यूनिवर्सिटी थी। रोड किला वो एक बड़ी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। देन बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, गांधीनगर, बहुत सी सिटीज़ हैं। मोहाली पता नहीं मैंने बोला है कि नहीं। एंड धनबाद धनबाद उसके बहुत बहुत मतलब फैंस थे। हाँ हाँ हाँ। सो एक्चुअली जो उनकी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत हर प्रोविंस में फैली हुई हैं। तो वहाँ पे हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ का एक वो है और यूनिवर्सिटीज़ में जल ही था कि मतलब इन्हीं को हर जगह जल वो था। रांची में परफॉर्म किया। बहुत सी सिटीज़ हैं जिनका मैं नाम भी मुझे याद नहीं है बट आई थिंक वहाँ ऑलमोस्ट काफ़ी इंडिया कवर कर चुके हैं पाकिस्तान की तरह। Nice. हाँ, बड़ा मज़ा आता था। इवन स्ट्रिंग्स के साथ कुछ शोज़ हमने वहाँ पे किए और वहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट थे उनके साथ भी हमने यूफोरिया के साथ बहुत शोज़ हमने किए। हाँ, उनके बड़े मज़े गाने थे। और दो तीन और इंडियन ओशन एंड सेल्फ क्रू, हाँ, डूबा डू, ये इस तरह के काफ़ी बैंड्स के साथ। हरिहरन साहब के साथ। नाइस। और हरिहरन का वो याद है इनका कॉलोनियल कजन्स? यस। यार क्या बैंड था यार। कितना मज़े का बैंड था वो। जो है ना वो कज़न की केमिस्ट्री नज़र भी आती थी उसमें। हालांकि वो कजन नहीं थे। वो कजन नहीं थे। हाँ, वो उन्होंने नाम ऐसा रखा हुआ था कॉलोनियल कजन। इतना साथ रहते थे कि वो कजन्स लगना शुरू हो गए। उधर समथिंग अबाउट द वे यू स्माइल, आई डोंट नो द रीजन व्हाई, सारे गम आवाज़। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग गाने थे। मजे का गाना। हाँ, सो ये एक ही एरा के गाने ना। इंडियन ओशन के बारे में वो डूबा के बारे में कहते हैं वाज द फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजिक वीडियो विच आई डोंट बिलीव, क्योंकि ड्यूरान ड्यूरान की कमांडन इज ऑल्सो अंडर वाटर। वो तो 91 में आ गई थी। चॉइसेस एक जैसी चल रही हैं। अरे ड्यूरान ड्यूरान का एक ही गाना है जो मैं बहुत पागलों की तरह सुनता था। और इसका अंडर वाटर वो जो था यार, ड्यूरान ड्यूरान का उमर शरीफ मरहूम साहब के कुछ ड्रामों के शुरू में मॉडर्न टॉकिंग का गाना चलता था। बिल्कुल चलता था। उसका उन्होंने वो साउंड डाला हुआ था मॉडर्न टॉकिंग का। और ड्यूरान ड्यूरान ये कामंडन किसी टीवी शो के इंट्रो में था। बिल्कुल पीटीवी के, एसटीएन के, वो पीटीवी के उसमें भी वो कॉपीराइट का कोई सीन। हाँ हाँ, यहाँ तो सब चलता, जो मर्जी इधर चला ले। इनफैक्ट वो एक बड़ा म्यूजिक, बहुत फेमस म्यूजिक है जो कि पीटीवी के पुराने ड्रामों में, लाहौर स्टेशन के ड्रामों में बहुत यूज़ होता था। उस म्यूज़िक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट्स में डाल दूंगा, तब तक याद आएगा। नीचे भी लिख देगा। हाँ, वो बड़ा मज़े का इंस्ट्रूमेंटल है और वो बहुत यूज़ हुआ है ड्रामों में। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।